हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसीएससी फैंटेसी में। गाइस, इस वीडियो में मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ फ्रांस और डेनमार्क के बीच में होने वाले कल के फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले की, जो रात के 9:30 बजे खेला जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ग्रैंड लीग की 20 टीम दूंगा, मीन 20 टीम बताऊंगा कम्बिनेशन, इसको 20 टीम कैसे इसमें बनानी है। और इसमें मैं आपको एक बेस्ट स्मॉल लीग सजेस्ट करूंगा कि भाई आप कैसे इसमें स्मॉल लीग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में हर वीडियो में मैं यहाँ पे 20,000 रुपये का गिव वे रखता हूँ, तो इस वीडियो में यहाँ पे 20,000 रुपये का गिव वे, जो कि मैं वीडियो के मिडिल में पूछूंगा आपसे, तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखते रहना, ठीक है। और गाइज, यहाँ पर आपको फुल स्टेट्स मिल जाएंगे, प्लेयर्स के क्लब रिकॉर्ड, इंटरनेशनल रिकॉर्ड और 2022 के रिकॉर्ड, हर प्लेयर के आपको रिकॉर्ड मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। पर ये वीडियो गाइज थोड़ा यहाँ पर लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने सारी चीज़ इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो गाइस, पहले बात करते हैं फ्रांस डेनमार्क, जीतेगा कौन भाई? तो जीतने का चांस है फ्रांस का हाई है डेनमार्क के हिसाब से, क्योंकि फ्रांस एक बहुत ही अच्छी मजबूत टीम है, डिफेंडिंग वर्ल्ड कप चैंपियन है, तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 62% लोग कहते हैं कि यहाँ पर फ्रांस जीतेगी, बट यहाँ पे गाइस डेनमार्क भी कमज़ोर टीम नहीं है। अगर इस अंदर 5 गेम्स की बात किया तो लास्ट के दो मैच यहाँ पर डेनमार्क ने यहाँ पर फ्रांस को हराए हैं, वो भी 2022 में ही। तो उस लिहाज से यहाँ पे बिल्कुल भी आप क्लीन सीट का मुझे तो लगता नहीं चांस होगा। डेनमार्क ने 2-0 से फ्रांस को हराया था, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2-1 से फ्रांस को हराया था यूएफा नेशन लीग में, वहाँ पर डेनमार्क का बहुत ही अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस था। उसके बाद गए जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 मैच यहाँ पे जीते हैं, एक ड्रॉ हुआ है, 2 मैच, तो लगभग बराबरी का यहाँ पे मुकाबला है। अगर यहाँ पे वर्ल्ड कप के इसमें पॉइंट टेबल की बात करें तो यहाँ से फ्रांस का मुझे पहुँचने का लग रहा है कि फ्रांस पहुँच जाएगी, पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से बीटा था। उसके बाद गए जहाँ से ट्यूनिशिया और डेनमार्क में कड़ी टक्कर होगी कि कौन सी टीम पहुँच सकती है, पर मेरे ख्याल से डेनमार्क पहुँच जाएगी। बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस की, तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांस के लास्ट 5 मैचेस में आप देख सकते हैं कि 2 मैच जीती है, 1 मैच ड्रॉ है, 2 मैच हारी है। कुछ ज़्यादा ही इतना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं था फ्रांस का कि हम बोल पाए कि फ्रांस ने बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा भी नहीं है, लॉस हुई है और यहाँ पे जीती भी है। वही डेनमार्क का भी सेम है, 2 मैच जीती है, 1 मैच ड्रॉ है एंड 2 मैच हारी है। लास्ट मैच यहाँ पे ट्यूनिशिया से ड्रॉ किया था, उससे पहले फ्रांस से ही जीते थे, उससे पहले क्रोशिया से हारे थे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है डेनमार्क का रिकॉर्ड लास्ट 5 मैचेस का। अब बात करते हैं पॉसिबल लाइनअप क्या हो सकती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इस टाइप से यहाँ पे पॉसिबल लाइनअप रहेगी। जो इनके स्टार प्लेयर हैं यहाँ पे ग्रूट, तो ये आपको खेलते हुए मिल जाएंगे फ्रंट में, पिछले मैच में आपने देखा ही था इन्होंने हेडर से बहुत अच्छे अच्छे गोल किए थे, तो इस मैच में भी गाइज मुझे लगता है कि ग्रूट बहुत अच्छे यहाँ पे काम करेंगे और ये मस्ट पिक होने वाले आपकी स्मॉल लीग में। उसके बाद गाइज यहाँ पे आते हैं एम्बापे, ठीक है, मेबापे जो गाइज बहुत ही अच्छा पर प्लेयर है, जो फ्रांस के अगर पेनल्टी आती तो वो लेगा मेबापे, ठीक है, ये याद आप रखना कि जो फ्रांस की पेनल्टी होगी वो लेगा मेबापे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद गाइज यहाँ पे है ग्रिजमान गाइज बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ग्रिजमान की खासियत यह है कि अगर ये गोल असिस्ट नहीं करेगा तो तब भी ये अपने ये टैकल हो गए, इंटरसेप्शन हो गए, पासेस हो गए, इसके थ्रू बहुत अच्छे पॉइंट बना लेता है। आप चाहो पिछले मैच में देख लो, वहाँ पर इन्होंने ज़्यादा गोल असिस्ट कुछ नहीं किया था आई थिंक, बट इन्होंने वहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट बनाए थे, तो इनकी खासियत यह है इस बंदे की, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पर डेम्बले है, डेम्बले को थोड़ा 50-50 रहेगा कि इसको लेना नहीं लेना, पर यह कि गाइज गोल मार सकता है, चांस थोड़ा कम ही रहता है, बट ये भी अच्छा प्लेयर है, पिछले मैच में इसने असिस्ट दिया था। उसके बाद गाइज यहाँ पे आते हैं रेबियोट, तो रेबियोट ने गाइज पिछले मैच में बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया था। अभी रेबियोट अपनी करियर की सबसे अच्छी यहाँ पर फॉर्म में चल रहे हैं, मैं भी आपको रेबियोट का रिसेंट यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि इन्होंने कैसे कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस इन्होंने की है, ठीक है, आगे वीडियो में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये कर रहे हैं, और रेबियोट की गाइज यहाँ पे खासियत यह है कि ये बंदा टैकल इंटरसेप्शन के मामले में फ्रांस का सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, जैसे ये टैकल लेता है या इंटरसेप्शन लेता है या पासेस लेता है, वो सबसे बेस्ट प्लेयर अगर फ्रांस का किसी को बोलेंगे तो वो है रेबियोट, ठीक है। तो रेबियोट को गाइज अपनी टीम में पक्का रख लेना आप, ठीक है, कई लोग इसको ड्रॉप करने की सोचेंगे बट मैं इसको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करूँगा। अब जिसको आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं वो है यहाँ पर तोचुमेनी, ठीक है, तोचुमेनी का गाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस है नहीं, पर ठीक ठाक है, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर पवार्ड है, पवार्ड के साथ आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। नोटे है, नोटे का भी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहा है लास्ट के मैचेस में। उसके बाद गाइस कल के लास्ट मैच में उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, वो है हर्नांडेज एंड यहाँ पे ओपमैनिको, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है फ्रांस के। तो ये रहेगी गाइस यहाँ पर गोलकीपर इनके खेलेंगे लॉरियस, ठीक है, ये होगा फ्रांस का पॉसिबल लाइनअप। गाइस यहाँ से बात करते हैं डेनमार्क, तो डेनमार्क के कुछ यहाँ पे स्टार प्लेयर्स हैं, जैसे ये है डोलबर्ग। डोलबर्ग गाइस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट रिसेंट परफॉर्मेंस इनका कुछ खास नहीं है 2022 के। उसके बाद गाइस यहाँ पे डैम्सगार्ड है, पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट आए थे, इस मैच में शायद खेलने को आ जाए। एक प्लेयर गाइस यहाँ पे ये ओल्सन है, ओल्सन बहुत ही मजबूत प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है। लास्ट मैच में आपने देखा था कि बहुत सारे वहाँ पे गोल के चांस बने थे, इन्होंने गोल के चांस वहाँ पे क्रिएट कराए थे, बट हो नहीं पाया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे महाले है, महाले को आप यहाँ पे देखेंगे कि महाले जो ड्रीम इलेवन में ये डिफेंडर सेक्शन में आता है, बट ये महाले डिफेंडर नहीं है, महाले एज मिडफील्डर है, ठीक है। ये काफ़ी आगे आके यहाँ पे कॉर्नर किक हो गया, जैसे महाले क्या करता है कॉर्नर किक हो गया, जैसे ये गोल पोस्ट की तरफ ये सारे के सारे यहाँ पे रखता है कि भाई यहाँ पे इसका ज़्यादा चांस रहता है कि असिस्ट करने का, चांस क्रिएट करने का, तो वो काम यहाँ पे महाले करता है। उसके बाद गए जहाँ पाएंगे जो क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिस्टियन है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्लेयर है, तो इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई करना। इनके भी ये चांस रहते हैं कि यहाँ से शॉर्ट एंड टारगेट तो नहीं है, जैसे असिस्ट बहुत करते हैं, ठीक है, ये दो प्लेयर इनको अपनी टीम में आप जरूर रखें। ये डिफेंडर सेक्शन में आएंगे आपको। उसके बाद गए आप यहाँ पे सब सेंटर में खेलेंगे, वो है हॉजबे, तो हॉजबे को आप देख लेना, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, बाकी मैं इनके स्टैट्स दे दूंगा। और जो इनके बहुत ही अच्छे यहाँ पे यूनिक प्लेयर है गाइस, वो है यहाँ पे क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन को पक्का अपनी टीम में यहाँ पे आपको रखना है। मीन रखना तो सिर्फ चार प्लेयर को ही आपको, बट मैं आपको बता दूंगा कौन से आपके अच्छे यहाँ पर प्लेयर होने वाले। बाकी गाइस आप ऊपर से यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनके डिफेंडिंग में जो इनके प्योर डिफेंडर हैं वो है एंडरसन, कैजर एंड यहाँ पे क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये हो गए इनके तीन डिफेंडर डेनमार्क के। अब प्लेयर रिकॉर्ड्स ऑफ डेनमार्क की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पहले बात करते हैं ब्रैथवेट से, तो ब्रैथवेट की अगर गाइस यहाँ पे आप रिकॉर्ड देखेंगे पिछला तो काफ़ी अच्छा है, बट ब्रैथवेट पिछले मैच में खेले नहीं थे और शायद इस मैच में भी आएंगे नहीं आएंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब्स्टिट्यूट में आएंगे। उसके बाद गाइस जो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं वो है यहाँ पर क्रिश्चियन। गाइस ये काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है क्रिश्चियन का, और यहाँ पे जो टैकल हो गए, पासेज हो गए, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे देते हैं, तो आप इनको अपना पक्का ख्याल रखना है, इनको अपनी टीम में आप रख सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे है ओल्सन, ओल्सन को आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, बहुत ही यहाँ पे प्लेयर बहुत ही प्यारे प्लेयर हैं, इनको अपनी टीम में आप जरूर रखना, क्योंकि इनका गोल करने का चांस गाइस बहुत हाई रहता है। आप यहाँ पर रिसेंट रिकॉर्ड अगर आप यहाँ पे ओल्सन का अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 21 मैचेस में 8 गोल एंड 4 असिस्ट, और अगर आप नेशनल टीम का रिकॉर्ड देखेंगे तो 52 मैचेस में 24 गोल एंड 7 असिस्ट, ठीक है, जो कि इनका काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे एरिक्सन है, एरिक्सन का आप क्या देखेंगे गाइस यहाँ पर, इनका क्लब रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा, इनको एक्सपीरियंस है, 111 गोल कर चुके हैं, 154 इनके असिस्ट है, तो गाइस ऐसे प्लेयर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनाली को, आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। एक ये है प्लेयर जो जिसके बारे में बात कर रहा था, मिडफील्डर, तो कितना प्यारा इनका रिकॉर्ड है आप यहाँ पे इंटरनेशनल का, अगर इनका आप रिकॉर्ड देखिए तो इंटरनेशनल में देखो कितना प्यारा, 39 मैचेस 11 गोल एंड 7 असिस्ट, तो इनका इंटरनेशनल का ये रिकॉर्ड है, तो काफ़ी अच्छे गाइस यहाँ पर ये प्लेयर होने वाले हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे हॉजबर्ग है जो कि यहाँ पे मिडिल में खेलते हैं, इनके भी ठीक ठाक रिकॉर्ड हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्रिस्टेसन है, काफ़ी अच्छे प्लेयर है, उसके बाद एंडरसन है, उसके बाद कैजर है, तो इनके रिकॉर्ड गाइस आप देख लेना, वरना मैं अगर एक एक प्लेयर्स का अगर आपको रिकॉर्ड बताओ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और गाइस इन दो प्लेयर्स का भी आप ध्यान रखना, ठीक है, यह है डोलबर्ग एंड यहाँ पर डैम्सगार्ड, ये दो प्लेयर भी ग्रैंड लीग की अच्छी आपको पंट पिक बोल सकता हूँ मैं, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। प्लेयर रिकॉर्ड ऑफ फ्रांस, अब मैं गाइस बात करता हूँ फ्रांस के प्लेयर्स के रिकॉर्ड की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो इनके स्टार प्लेयर गाइज वो है यहाँ पर स्टार प्लेयर गाइज इनके यहाँ पे मेबापे एंड ग्रूट, तो गाइज इन दोनों को आपको पक्का रखना है, यहाँ तक कि इन तीनों को आपको पक्का रखना है, इन तीन प्लेयर्स के बिना आप स्मॉल लीग नहीं बनाओगे गाइज, वरना आपके लॉस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, इन तीनों को ही आपको अपनी टीम में रखना है,
इनके रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बनाए हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 607 क्लब मैच का रिकॉर्ड है इनको, गिरुड को। और यहाँ पे अगर इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ भी गोल मारे हैं, उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए यहाँ भी गोल मारे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर रिकॉर्ड है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मेबापे की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रांस के जो पेनल्टी लेने वाले प्लेयर हैं वो है मेबापे। और मेबापे का अगर रिसेंट का अगर परफॉर्मेंस आप देखेंगे, रिसेंट यानी 2022 का, 20 मैच इन्होंने प्ले किए हैं, 19 इन्होंने यहाँ पे गोल मारे हैं और 5 इन्होंने यहाँ पे पेनल्टी मारी। तो गाइस आपको यहाँ पर मेबापे को पक्का 101% अपनी टीम में आपको रखना है, आप एज ए कैप्टन भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देखेंगे गिरुड का, आप रिकॉर्ड देखिए गिरुड का, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे गिरुड का रिसेंट, ठीक है, 2022 के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ गाइज मैं, ठीक है, 19 मैच 19 गोल एंड 5 असिस्ट। उसके बाद आप गाइज यहाँ पे ग्रीजमान का रिकॉर्ड देख लीजिए, 21 मैच 6 गोल 4 असिस्ट। जिन क्लब से ये खेलते हैं ये उनका यहाँ पे मैंने गाइज यहाँ पे रिकॉर्ड आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो बाकी आप इनके भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, इनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड, जो भी प्लेयर मैंने ग्रीन किए हुए हैं बहुत ही अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस। और आप यहाँ पर मैंने एक प्लेयर को ग्रीन नहीं करा, वो है रेबियोट। तो गाइज रेबियोट काफ़ी अच्छे प्लेयर है, इसको पक्का रखना आपने, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार एक मिडफील्डर के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, 16 मैच खेले हैं इस सीज़न में, 5 गोल किए हैं 2 असिस्ट हैं, और उन्होंने लगभग 1 गोल लास्ट मैच में भी किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और काफ़ी हेडर से गोल करते हैं, ठीक है। तो इनको पक्का आपको अपनी टीम में गाइज रखना ही रखना है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम हम कैसे बनाएं, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने रखा है 20,000 रुपये का गिवे। उसके लिए आपको क्या करना है, मैच का फर्स्ट गोल एंड मैच का सेकंड गोल की प्रिडिक्शन आपको बतानी है, कि मैच का फर्स्ट गोल कौन से मिनट में आएगा, मैच का सेकंड गोल कौन से मिनट में आएगा। सपोज पूरे मैच का फर्स्ट गोल आता है 33 मिनट में और मैच का सेकेंड गोल आता है 39 मिनट में, तो आपको यहाँ पर क्या कमेंट करना है नीचे, मैच फर्स्ट गोल 33 मिनट, मैच सेकंड गोल 39 मिनट, बस आपको यही कमेंट करना है। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपके ये दोनों तुक्के सही लग गए तो मैं आपको दूंगा 20,000 रुपये का गिफ्ट वे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम लोन की। तो गाइज यहाँ पर पहले हम करेंगे ग्रैंड, चलो पहले हम स्मॉल लीग की बात करते हैं, स्मॉल लीग इसमें कैसे बनानी। तो गाइज हम पहले फ्रांस के प्लेयर को यहाँ पर शॉर्ट वाइज कर देंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे भाई वोरा, पहले हम यहाँ से लेंगे मेबापे, गिरुड एंड ग्रीजमान, ठीक है, और टेम्बले, और साथ में आप इसको भी रख लो यार, ये काफ़ी अच्छा खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस की क्लीन सीट के चांस मुझे कम ही लग रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क ने इनको लास्ट के 2 मैच धोया है, ठीक है। डेनमार्क की टीम कोई कमज़ोर टीम नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हैंडाज को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पावाट को, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो ओपामैंग कानों को भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पावाट के साथ, ठीक है। तो गाइज ये हो गई यहाँ पर फ्रांस की टीम स्मॉल लीग में। डेनमार्क का हो गया गाइज यहाँ पे मैंने रख दिया इनका जो गोलकीपर है, उसके इनके बाद मैंने एक यहाँ पे महाले को रख लेता हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं क्रिक्सन को रख लेता हूँ। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे जो अब यहाँ पे गाइज कन्फ्यूजन ये है कि डोलबर गोल मारेगा या होल्सन गोल मारेगा, ये गाइज यहाँ पे हमेशा एक कन्फ्यूज रहता है। तो इसलिए या तो आप एक काम करो, आप या तो पॉइंट वाला कोई प्लेयर पकड़ लो जो कि भाई अगर गोल गोल कुछ भी ना मारे पॉइंट देता हो, जैसे वो है हॉजबर्ग, ठीक है। तो ये क्या होता है गाइज, ये जो प्लेयर है ना ये हमेशा यहाँ पर पॉइंट देता ही देता है, ये गोल मारे या ना मारे, तो इस प्लेयर की खासियत ये है। तो चाहे आप इस प्लेयर को पकड़ लो या तो आप फिर यहाँ पर रिस्क लेने के तैयार हो जाओ। रिस्क आपको या तो यहाँ पर डैम्सगार्ड के साथ जाना पड़ेगा या तो आपको गाइज यहाँ पर डोलबर्ग के साथ जाना पड़ेगा या आप यहाँ पर ओल्सन के साथ जाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँ कि गाइज जो एक्सपीरियंस बनता है, पर डोलबर्ग का रिसेंट रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ओल्सन का तब भी रिकॉर्ड सही है, बट मैं बोलूँ कि यहाँ पर आप होजबर्ग के साथ ही चले जाओ, वही सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो गाइज ये होगी प्रीव्यू मेरी टीम की स्मॉल लीग की। अब कैप्टन इसमें मैं करूँगा, कैप्टन भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
कैप्टन गिरुड, वाइस कैप्टन मेवापे। अब देखो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने मेवापे को यहाँ पर कैप्टन किया है, बट मेवापे भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है गाइज। आप ये गिरुड भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, गिरुड को भी आप कैप्टन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे करूँगा ये, मैं यहाँ पे कैप्टन कर रहा हूँ गिरुड को एंड वाइस कैप्टन करूँगा मेवापे को। आई थिंक ये मेरा फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि अभी जो गिरुड है अपनी जो रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी चल रही है, इसलिए मैं फालतू का कोई भी रिस्क मैं लेना नहीं चाहता हूँ गिरुड के साथ, मैं गिरुड को ही लूँगा। मेवापे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लास्ट के कुछ मैचेस में देख रहा हूँ मेवापे, जो भी उसके सामने एक इजी चांस भी होते हैं ना जैसे गोल करने के, वो मेवापे मिस कर जाता है, तो इसलिए मैं सिंपली गिरुड के साथ जाऊँगा गाइज। गिरुड बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और आप ग्रैंड लीग में यहाँ पर, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ग्रैंड लीग की टीम कैसे यहाँ पर क्रिएट करो। तो गाइज आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में जा सकते हो, एक तो आप जा सकते हो क्लीन सीट के लिए, दोनों का आप क्लीन सीट करवा सकते हो, आप चाहो तो स्विट्जरलैंड की भी क्लीन सीट। पहले हम करते हैं फ्रांस की क्लीन सीट। तो गाइज अगर आप फ्रांस की क्लीन सीट कर रहे हो तो यहाँ से आप पहले इनके जितने भी डिफेंडर खेलेंगे कल के मैच में, पवार, कनोटे जो भी है पुराने खेलेगा आई थिंक, ठीक है, यहाँ से आप रख दीजिए। जो यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट देता है वो है यहाँ पे रेबियोट और यहाँ पे टोचू मैनी, ठीक है, थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है भाई पढ़ने में, तो इसको आप रख लो। उसके बाद आप इनका गोलकीपर भी रख लो, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रांस का जो गोलकीपर है अगर ग्रैंड लीग बन रही है तो वो भी शॉट एंड टारगेट कल फेस करने वाला है। डेनमार्क की टीम स्ट्रांग है, इतनी भी कमज़ोर नहीं है। फिर यहाँ से डेनमार्क के कुछ ऐसे प्लेयर लेंगे जो सिर्फ पॉइंट देते हैं, ठीक है, मीन हमको सिर्फ पॉइंट वाले प्लेयर पकड़ने, चार प्लेयर हमको ऐसे पकड़ने हैं जो अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। तो पहला तो है इसमें आप नोट कर लीजिए एरिक्सन, जो कि भाई अगर गोल ना मारे या असिस्ट ना मारे ये पॉइंट देगा, जैसे पिछले मैच में उन्होंने 36 पॉइंट दिए थे। उसके बाद है यहाँ पे गाइज हॉजबर्ग, ठीक है, तो इसको आपको रखना है, ये भी पॉइंट देगा। एक यहाँ पे डिफेंडर में आ जाता है क्रिश्चियन, तो आपको मैं बता दूँ ये भी पॉइंट देता है, ठीक है, एक इसको आप रख लेना। और तीसरा आप यहाँ से कर लो, एक आपको यहाँ पर तीसरा रखना पड़ेगा, एक मिनट, ये हो गया चार। ओके 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 ओके, मुझे यहाँ से फ्रांस का एक प्लेयर ही हटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से जाऊँगा गिरुड के साथ एंड यहाँ से जाऊँगा डेनमार्क का टैम्स कार्ड के साथ चल जाता हूँ। चलो तो गाइज ये होगी फिर यहाँ पे एक टीम, ठीक है। अब इसमें मैं कैसे यहाँ पे रोटेशन मारूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन की, क्योंकि यार आप देखते होंगे ना जो लोग ग्रैंड लीग जीतते हैं, चाहे वो क्रिकेट में जीते चाहे वो फुटबॉल में जीते, वो लोग रोटेशन बहुत मारते हैं। मीन काफ़ी लोग ये होते हैं ना कि यार मैं 20 टीम लगा रहा हूँ तो 20 टाइप की टीम बनाऊँगा, वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। आप एक टीम लगाओ, कम से कम उसको 6 बार रोटेट मारो कैप्टन वाइस कैप्टन को, ये ग्रैंड लीग जीतने का फंडा है। इस फंडे को आप अगर आप कर लोगे तो आप एक या दो महीने के अंदर ग्रैंड लीग पक्का जीत जाओगे। तो जैसे अभी भाई मैंने यहाँ पे पकड़ दिया किसको, गिरुड को, तो गिरुड को मुझे पकड़ना है एज ए वाइस कैप्टन, और यहाँ पे मुझे कैप्टन घुमाना है हैंडेज को, वोराने को एंड उपामेकाने को, साथ में यहाँ पे पवार को, ठीक है, ये चार मुझे यहाँ पे तो बन गई मेरी टीम कितनी। तो यहाँ पे एक बार मैं करूँगा वोराने को कैप्टन, फिर गिरुड को, फिर करूँगा ये हैंडेज को कैप्टन, फिर गिरुड को वाइस कैप्टन, ठीक है, एक सेट तो मेरा ऐसे के हो जाएगा क्लियर। दूसरा सेट मुझे बनाना है अपना, तो दूसरा सेट मुझे कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मैं मेवापे को रख दूँगा। अभी मैं बना रहा हूँ फ्रांस 1-0 की टीम, अभी यह है फ्रांस सिर्फ एक गोल मारेगी और डेनमार्क 0 मारेगी, तो अभी ये वाली टीम बन रही है। अब भाई गोल कौन मारेंगे, अब हमारे मेवापे मारेंगे गोल, ठीक है, मेवापे रहेंगे वाइस कैप्टन, यहाँ पे फिर कैप्टन घुमा दो भाई, ठीक है। जो अब यहाँ पे से मैं आपको बता देता हूँ जो फ्रांस के सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाले यहाँ पे, एक तो हैंडेज है, एक वोराने हैं, ठीक है, पवार्ड मेरे ख्याल से उतने पॉइंट नहीं लेगा, एक उपामेकानो है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंट लेता है उपामेकानो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर तीन को आपको पकड़ के चलना, गोलकीपर को मत पकड़ना, ठीक है, तो इन तीनों को आपको पकड़ के, अब हमने यहाँ पर बना दिया मेवापे को भी, हमने एक सेट क्लियर करा दिया। अब मुझे ये अज्यूम करना है कि भाई अब होगा स्कोर 2-0 फ्रांस
या 3-0 फ्रांस, ये भी हो सकता है ना। तो अब मुझे क्या करना है कि एक और प्लेयर मुझे ऐसे जो गोल मारे, तो मुझे क्या करना है सिंपली, या तो आप यहाँ से एक इसमें भी एक सेट आप ये वाला चला लो रेबियट कैप्टन, आप सेम ही रहने दो एंड वाइस कैप्टन मैं वहाँ पे। अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ से रेबियट को निकाल दोगे एंड गिरुड़ को रख दोगे। अब एक सेट आपका कैसा बन जाएगा गाइज, एक सेट आपका बन जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। अब एक सेट में ये भी बनेगा कि कैप्टन यहाँ पर मैं वहाँ पे, वाइस कैप्टन गिरुड, एक सेट ये हो गया। और फिर दूसरे सेट कैसे हो जाएंगे, वाइस कैप्टन गिरुड कैप्टन कैप्टन, ठीक है। इसके दो सेट बनाना। अब यहाँ पे से किसको हटा देना, आप यहाँ से आप हटा दो गिरुड को, हटा दीजिए, ठीक है। अब गिरुड हट गया भाई। अब फिर यहाँ पे से आप कर दो वाइस कैप्टन मैबापे को, अब मैबापे को बना दो आप, ठीक है। तो दो सेट ये बन गए। ये कौन सा टीम है, ये टीम है गाइस 2-0 फ्रांस, ठीक है। तो इस टाइप से आप फ्रांस को क्लीन शीट आप बना सकते हो। अब आपको ऐसे ही करना डेनमार्क की साइड। अब आपको लगता है कि भाई देखो फुटबॉल में तो कुछ भी हो सकता है, डेनमार्क भी 1-0 से जी सकती है ना। तो अब आपको बनानी है डेनमार्क 1-0 विनिंग, क्योंकि ग्रैंडिंग में हमको ऐसी ना सोच रखनी पड़ती है तभी हम कोई ग्रैंडिंग जीतते हैं। वरना अगर आप ऐसे सोचोगे भाई कि आते ही फ्रांस पेल देगा, तो आप कभी भी ग्रैंडिंग नहीं जीत पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे से मैंने पांचों प्लेयर पकड़ लिए, किसके, पांचों डिफेंडर प्लस एक गोलकीपर डेनमार्क का। अब यहाँ से मैं पकड़ लूँ एरिक्सन, फ्रांस के चार ऐसे प्लेयर पकड़ो जो गोल दे, जो अच्छे पॉइंट देते हैं। अब मेरे पास यही ऑप्शन है सारे के सारे, ठीक है। मेवापे और ग्रूट की अगर बात होगी, तो उन दोनों में से अगर कोई गोल नहीं मारेगा तो पॉइंट कौन अच्छा देगा, ग्रूट देगा, इसको नोट कर लेना। क्योंकि ग्रूट ग्राउंड में बहुत ज़्यादा टहलता है और अच्छे पॉइंट बनाता है। गाइड वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, बट आपको यार समझाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपको क्या करना है, इतनी इंपॉर्टेंट और यूनिक टीम है ये ग्रैंड लीग की टीम, मैं आपको दे रहा हूँ जितना आपको कोई भी नहीं देगा। अब आपको कैप्टन मार रहे हैं यहाँ पे, किसको, एरिक्सन को। अब वाइस कैप्टन आप किसको मारोगे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इन पांच इन प्लेयर्स में से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन देते हैं। अगर 1-0 स्विट्जरलैंड क्लीन शीट करेगा, ठीक है, सॉरी स्विट्जरलैंड नहीं डेनमार्क, तो यहाँ पे डेनमार्क 1-0, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉइंट देगा एक तो वो देगा जिसने गोल मारा, सपोज एरिक्सन ने गोल मार दिया। दूसरा देगा यहाँ पे इनका गोलकीपर भाई, क्योंकि फ्रांस डेनमार्क की टीम पे टूट पड़ेगा, दुनिया की नंबर एक टीम है, टूट पड़ेगा मीन वो उसके जो गोल पोस्ट पे गोल की बौछार कर देगा मीन, तो क्या करेगा ये बंदा सेव करेगा, इनका गोलकीपर है, तो इसको हर सेव के 6-6 पॉइंट भी लिखते हैं। सपोज अगर ये बंदा यहाँ पे 6 बार सेव भी कर दे शॉर्ट एंड टारगेट, तो इसको 30 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए, प्लस 20 पॉइंट इसको हो गए किसके, क्लीन शीट के, तो 50 पॉइंट तो ये ऐसे कमा लेगा। तो इसलिए यहाँ पे गोलकीपर जो है ना ग्रैंड लीग में बहुत अहम होता है जब हम क्लीन शीट के लिए खेलते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन होंगे एरिक्सन, वाइस कैप्टन होंगे यहाँ पे गोलकीपर, ठीक है। फिर दूसरा अगर आपको यहाँ पर कोई बेस्ट प्लेयर चाहिए जो कि यहाँ पे भाई ज़्यादा पॉइंट देता हो, तो वो है यहाँ पर गाइस क्रिश्चियन, ठीक है। तो आप इन दोनों का ही सेट ट्राई करना, और अगर तीसरा करना है तो यह है माले, ठीक है। अब एक सेट तो आपका ये हो गया, फिर से आप वापस आ जाओ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डेनमार्क का ये प्लेयर हटा के होजबे के साथ आप ट्राई करो, इसके साथ एक ही बार ट्राई करो कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। अब इसको हटा दो। अब आप डैम्स गार्ड के साथ ट्राई करो कैप्टन वाइस कैप्टन वाइस कैप्टन, डैम्स गार्ड को हटा दो। अब आप यहाँ से डोलबर को ट्राई करो, पर अगर जब आप डोलबर को ट्राई करोगे तब आपको फ्रांस के गिरुड़ को हटा के यहाँ पर जो इनका मिडफील्डर है टोकू मैनी, ठीक है, इस मैनी को रख देना, बिकॉज ये ज़्यादा पॉइंट देगा भाई गिरुड़ के हिसाब से, ठीक है। सारे मिडफील्डर यहाँ पे फ्रांस के। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या होता है यहाँ पे, अब ये रहा भाई डोलबर्ग, डोलबर्ग है स्ट्राइकर, एक स्ट्राइकर को गोल करने के मिलते हैं 40 पॉइंट। जब कोई भी स्ट्राइकर गोल करता है तो उसको मिलता है 40+6 पॉइंट, 46 पॉइंट।
और अगर ये पूरा मैच भी खेल जाएगा ना, अगर ये एक गोल करेगा तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा 55 पॉइंट से ज़्यादा आपको देगा नहीं। और अगर ये पूरा क्लीन शीट हो गया तो सब ज़्यादा इनसे ज़्यादा पॉइंट इस जो स्ट्राइकर जिसने गोल मारा उससे ज़्यादा पॉइंट ये डिफेंडर लोग कमा लेते हैं। इन डिफेंडर लोगों के ज़्यादा पॉइंट हो जाते हैं अगर मैच पूरा खिंच गया 1-0 डेनमार्क। तो इसको आपको वाइस कैप्टन ही करना है, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। कैप्टन करोगे आप किसको? इनके गोलकीपर को, इसके गोलकीपर को, ये क्रिश्चियन को, ठीक है, या महाले को। तो तीन सेट आप ऐसे बना लो वाइस कैप्टन टोलबर्ग को रख के, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, टोलबर्ग को हटाओ। यहाँ पे स्कोव ओल्सन बहुत ही अच्छा प्लेयर है गाइज, ठीक है, क्लब में बहुत ही यहाँ पे यूनिक प्लेयर है स्कोव ओल्सन। तो अब आप स्कोव ओल्सन की तरफ चले जाओ। तो स्कोव ओल्सन को भी वाइस कैप्टन रखना है, कैप्टन कैप्टन कैप्टन। तो ये हो गए भाई कौन सी टीम। अब आई होप कि आप लोग समझ गए हो मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप कैसी टीम बना सकते हो। तो ग्रैंड लीग में आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ से आपने इसको ट्राई कर दिया और यहाँ से हो गया, आप इसको वाइस कैप्टन कर लो, ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हो। कुछ भी आप ग्रैंड लीग में आप बनाते गए, हम 1-1 की टीम या 2-1 की टीम, ठीक है। तो 2-1 या 1-1 की टीम कैसे बनेगी, पहले मैं इनको यहाँ पे से हटा देता हूँ। 2-1 और 1-1 की टीम में गाइज हमेशा हमको वो प्लेयर लेने होते हैं जो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट ज़्यादा देते हैं। जैसे पहले हम यहाँ से डिफेंडर पकड़ लेते हैं, हर्नांडेज को मैंने पकड़ दिया, क्रिस्टेंसेन को मुझे पकड़ दिया, महाले को मैंने ले लिया, और यहाँ से मैंने उपामेकानो को मैंने यहाँ पे अपनी टीम में रख लिया। साथ में मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ पे वराने की तरफ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ ग्रीजमान की तरफ, एरिक्सन की तरफ, एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ हॉजबे की तरफ, और मैं यहाँ से ग्रीजमान को ड्रॉप कर रहा हूँ रेबियोट की तरफ, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ गिरुड की तरफ, एंड यहाँ से मैं जा रहा हूँ डोलबर्ग की तरफ। तो ये है 1-1 की टीम। अब इसमें हम कैसे कैसे यहाँ बनाएंगे आप देखिए। इसमें भाई ग्रैंड लीग जितना आसान नहीं होता है, इसमें चाहिए एग्जैक्ट वाली बात, ठीक है। अब कैप्टन गिरुड, वाइस कैप्टन डोलबर्ग, एक टीम ये बन गई कैप्टन गिरुड, वाइस कैप्टन एरिक्सन, ठीक है, कैप्टन गिरुड या वाइस या कैप्टन एरिक्सन, वाइस कैप्टन महाले, ठीक है, या तो कैप्टन रेबियोट, वाइस कैप्टन होजवे। तो इसमें इस टाइप की टीम आती है कि तुक्के से कोई भी गोल मार दे, ठीक है। अब इसमें आपको भाई मुश्किल होता है ग्रैंड लीग जितना 2-1 या 1-1 में फुटबॉल में। तो इस टाइप से भी आप टीम बना सकते हो। ये रही आपकी मैंने आपको लगभग 40-50 ग्रैंड लीग की टीम बता दी है, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं कैसे फुटबॉल में ग्रैंड लीग की टीम बनाई जाती है। अभी मैं हर वीडियो में इस टाइप से टिप्स दे रहा हूँ ताकि जो भी नए लोग यहाँ पर फुटबॉल फैंटेसी खेल रहे हैं उनको फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्रिकेट ही खेलते हैं, किसी को फुटबॉल के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बस अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसलिए हर कोई यहाँ पर फुटबॉल ट्राई कर रहा है, ठीक है। मैं फुटबॉल को लगभग 5-6 साल से मतलब बचपन से ही जानता हूँ कि कैसे इसमें खेलते हैं, कैसा होता है, ठीक है, पर फैंटेसी में 5-6 साल से खेल रहा हूँ गाइज, ताकि आपको यहाँ पे मालूम चल जाए, ठीक है। तो गाइज इस टाइप से आप यहाँ पर टीम ट्राई कर सकते हो, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर देना गाइज। टेलीग्राम चैनल में मैं फाइनल टीम प्रोवाइड करूँगा इस मैच की भी और हर मैच की, ठीक है। तो गाइज जो भी YouTube में यहाँ पर नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है ग्रैंड लीग वाला सिस्टम मेरा, मैं जैसे ग्रैंड लीग बता रहा हूँ, तो ये एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि ये ग्रैंड लीग टीम में जो दे रहा हूँ आपको कि सही है नहीं है, आपको ये नॉलेजेबल लगी मेरी बात या नहीं लगी। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।